Assalamu alaikum students, this is lecture number 14 of psychology, 12th psychology, lesson number 5, therapeutic approaches in psychology. In this lecture we will further discuss about behavior therapy, and under behavior therapy we will discuss about techniques of behavior therapy. तो बेटा ये हमारा lecture number 14 है, 12th psychology हम discuss कर रहे हैं, lesson number 5, थेरेप्यूटिक अप्रोचेस इन साइकोलॉजी. आज हमारा टॉपिक है इसमें बेटा बिहेवियर थेरेपी, और बिहेवियर थेरेपी में हमें क्या पढ़ना है, टेक्निक्स ऑफ बिहेवियर थेरेपी. देयर आर 6 टेक्निक्स ऑफ बिहेवियर थेरेपी. बिहेवियर थेरेपी में हम 6 टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, मगर इन 6 टेक्निक्स के लिए आपको पहले मालूम होना चाहिए बेटा रेनफोर्समेंट क्या होता है. व्हाट इज रेनफोर्समेंट इन साइकोलॉजी. ठीक है बेटा, हम कहते हैं बेटा रेनफोर्समेंट मीन्स एनीथिंग और स्टिमुलस विच स्ट्रेंथनिंग और इंक्रीजेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्पेसिफिक रेस्पॉन्स. रेनफोर्समेंट का मतलब है कोई भी ऐसी चीज या कोई भी ऐसा स्टिमुलस जो एक इंडिविजुअल के बिहेवियर में स्ट्रेंथ करता है. क्या करता है स्ट्रेंथ बेटा, इंक्रीज करता है कोई भी स्पेसिफिक रेस्पॉन्स, मतलब कोई भी स्पेसिफिक बिहेवियर, मतलब किसी नए बिहेवियर को एक इंडिविजुअल में लाने के लिए रेनफोर्समेंट की जरूरत पड़ती है. और ये रेनफोर्समेंट क्या होता है, कोई भी स्टिमुलस जिससे एक इंसान में चेंज आ जाए, उसके बिहेवियर में चेंज आ जाए, उसका बिहेवियर चेंज हो जाए, मॉडिफाई हो जाए. ठीक है बेटा, पहली टेक्निक है बेटा नेगेटिव रेनफोर्समेंट. नेगेटिव रेनफोर्समेंट का मतलब क्या है, नेगेटिव रेनफोर्समेंट का मतलब है बेटा जब हम बिहेवियर को जोड़ते हैं, किसके साथ बेटा जोड़ते हैं बिहेवियर को, पेनफुल या बेटा नॉट लाइक्ड रेस्पॉन्स, पेनफुल रेस्पॉन्स के साथ या अनडिजायरेबल रेस्पॉन्स के साथ या बेटा अनलाइक्ड रेस्पॉन्स के साथ. मतलब हम कहते हैं नेगेटिव रेनफोर्स का मतलब क्या है बेटा, जब जब हमारे स्टिमुलस का रेस्पॉन्स अच्छा नहीं आता है. ठीक है बेटा, जब हमारे स्टिमुलस का रेस्पॉन्स अच्छा नहीं आता है, लाइक्ड रेस्पॉन्स नहीं आता है, पेनफुल रेस्पॉन्स आता है या बेटा अनलाइक्ड रेस्पॉन्स आता है. मिसाल के तौर पर बेटा एक बच्चे ने क्लास में शोर किया, जो ही इसने शोर किया इसको टीचर ने क्लास से बाहर निकाला, और जो ही ये क्लास से बाहर निकला ये क्लास के बाहर खड़ा रहा, ये बाहर की चीजों में इन्वॉल्व हो गया, जो क्लास के बाहर की चीजें हैं, जिसकी वजह से असर क्या हुआ बेटा, इसका लेक्चर मिस हो गया. और आप वो लेक्चर इसको कौन सिखाएगा, मतलब इसका जो ब्रेन था वो किन चीजों में इन्वॉल्व हो गया बेटा, आउटसाइड द क्लासरूम, बाहर वाली चीजों में इसने अपना टाइम सर्व किया और इसके क्लासरूम का टाइम जाया हो गया. मतलब इसने जो स्टिमुलस दिया, इसने जो शोर किया, इसने जो मिसबिहेव किया, उसके रीजन में इसको टीचर ने क्लास से बाहर निकाला. ठीक है बेटा, इसको क्या मिल गया, ये नेगेटिव रेस्पॉन्स. उसके बाद बेटा दूसरी टेक्निक पॉजिटिव रेस्पॉन्स. जब हम स्टिमुलस को जोड़ते हैं बेटा किसके साथ जोड़ते हैं, पॉजिटिव रेस्पॉन्स के साथ, पॉजिटिव आउटकम के साथ. ठीक है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट. मतलब जब हम स्टिमुलस को जोड़ते हैं अच्छी चीज के साथ, पॉजिटिव रेस्पॉन्स के साथ. मिसाल के तौर पर हम घर में बच्चों को बोलते हैं अगर आप होमवर्क करोगे हम आपको चॉकलेट देंगे, ये क्या है बेटा, चॉकलेट देना पॉजिटिव रेनफोर्समेंट. हम उनको बोलते हैं बेटा अगर आपने होमवर्क की हम आपको अच्छी डिश बना के देंगे, हम मैगी बना के देंगे. ठीक है बेटा, हम फिरनी बना के देंगे. मतलब हम उनमें क्या डालते हैं बेटा, रेनफोर्समेंट डालते हैं ताकि इनका बिहेवियर ठीक हो जाए. अभी तक ये फॉल्टी लर्निंग कर रहे थे, ये होमवर्क साफ साफ नहीं लिख रहे थे. अब हमने इनको यहां से बोला अगर आपने होमवर्क अच्छा किया, साफ साफ आपने लिखा, हम आपको चॉकलेट देंगे. ठीक है बेटा, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव रेनफोर्समेंट. ठीक है बेटा, तो ये दो टेक्निक्स आज हमने पढ़ी, कल हम और 4 टेक्निक्स पढ़ेंगे. थैंक यू बेटा. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 15 ऑफ साइकोलॉजी, 12th साइकोलॉजी, लेसन नंबर 5, थेरेप्यूटिक अप्रोचेस इन साइकोलॉजी. इन दिस लेक्चर वी विल फर्दर डिस्कस अबाउट बिहेवियर टेक्निक्स. तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 15 है, 12th साइकोलॉजी में लेसन नंबर 5 हम डिस्कस कर रहे हैं थेरेप्यूटिक अप्रोचेस इन साइकोलॉजी. इस लेक्चर में हम फर्दर डिस्कस करेंगे बिहेवियर टेक्निक्स के मुतालिक. पिछले लेक्चर में हमने दो बिहेवियर टेक्निक्स डिस्कस की थी, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट एंड नेगेटिव रेनफोर्समेंट.
इसमें हम पहले करेंगे बेटा डिस्कस एवर्सिव कंडीशनिंग। हम कहते हैं बेटा जब हम बेटा रिपीटेड एसोसिएशन करते हैं किसकी बेटा, अनडिजायर्ड रेस्पॉन्स की। रिपीटेड एसोसिएशन हम करते हैं अनडिजायर्ड रेस्पॉन्स की किसके साथ, किसी भी एवर्सिव कॉन्सिक्वेंस के साथ, ताकि एक क्लाइंट में, एक इंडिविजुअल में फॉल्टी बिहेवियर खत्म हो जाए, फॉल्टी बिहेवियर कम हो जाए। ठीक है बेटा, उसको हम बोलते हैं एवर्सिव कंडीशनिंग। मिसाल के तौर पर एक अल्कोहलिक पर्सन जिसको आदत है अल्कोहल लेने की, जो बहुत ज्यादा अल्कोहल पीता है, उसको हम बोलते हैं अगर आप अल्कोहल नहीं छोड़ोगे आपको क्या काम करना है, आपको इलेक्ट्रिक शॉक्स देंगे, आपको अलग अलग दवाइयां खानी पड़ेगी जिसकी वजह से आपका बिहेवियर ठीक हो जाए, आप अल्कोहलिक ना रहे। मगर अगर आप अल्कोहल छोड़ोगे फिर आपको इलेक्ट्रिक शॉक्स देने की जरूरत नहीं है, फिर आपको दवाइयां खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन दवाइयों से वो बेहोश हो जाता है, उसको डिस्कम्फर्ट होता है। ठीक है बेटा, तो एवर्सिव कंडीशनिंग का मतलब क्या है, जब हम रिपीटेड इस्तेमाल करते हैं अनडिजायरेबल रेस्पॉन्स का और उसको एसोसिएट करते हैं किसी बड़े कॉन्सिक्वेंस के साथ, किसी बड़े एवर्सिव कॉन्सिक्वेंस के साथ। जैसे हमने यहां अल्कोहलिक पर्सन को कॉन्सिक्वेंस बोले कि अगर आपने अल्कोहल पीना नहीं छोड़ा आपको इलेक्ट्रिक शॉक्स मिलेंगे, आपको मेडिसिन खानी पड़ेगी जिसकी वजह से आपको नौसिया होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, इस होल प्रोसेस को हम बोलते हैं एवर्सिव कंडीशनिंग। इसी की वजह से एक इंडिविजुअल में फॉल्टी बिहेवियर रिमूव हो जाता है, फॉल्टी बिहेवियर दूर हो जाता है। उसके बाद बेटा मॉडलिंग, हम कहते हैं मॉडलिंग जो है बेटा, मॉडलिंग को हम दूसरा नाम बोलते हैं विकेरियस लर्निंग, जहां हम क्या काम करते हैं, जो रोल मॉडल होता है वो बिहेवियर अंडरस्टैंड करवाता है, बिहेवियर लर्न कराता है, किसको बेटा, बाकी इंडिविजुअल्स को, चिल्ड्रंस को या क्लाइंट को। यहां साइकोथेरेपिस्ट रोल मॉडल है क्लाइंट के लिए, पेरेंट्स रोल मॉडल है अपने बच्चों के लिए, वो अपने बच्चों का बिहेवियर उनको डिमोन्स्ट्रेट करवाते हैं। ठीक है बेटा, अगर पेरेंट झूठ बोलते हैं इस बिहेवियर का असर बच्चों पे भी होता है, बच्चे भी झूठ बोलते हैं, क्यों, वो किसको कॉपी करते हैं, रोल मॉडल को। अगर पेरेंट्स अच्छे मैनर्स परफॉर्म करते हैं बच्चों में भी अच्छे मैनर्स आते हैं, अगर पेरेंट्स एल्डर्स का रेस्पेक्ट करते हैं बच्चे भी एल्डर्स का रेस्पेक्ट करते हैं, क्यों बेटा, क्योंकि हम बेटा कहते हैं इस प्रोसेस में क्या होता है, बच्चे कॉपी करते हैं अपने रोल मॉडल बिहेवियर, जो रोल मॉडल बिहेव करता है वैसे ही वो भी करते हैं, वो उसको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है बेटा, ए चाइल्ड लर्न्स टू लाई बिकॉज द पेरेंट्स आर लाइंग स्टार्ट ऑकरिंग। इसी तरह बेटा चाइल्ड लर्निंग रेस्पेक्ट टू एल्डर्स बिकॉज पेरेंट्स रेस्पेक्ट एल्डर्स। मतलब मॉडलिंग में हम किसी को अपना रोल मॉडल बनाते हैं और उसके बिहेवियर को कॉपी करते हैं, उसके लर्निंग को कॉपी करते हैं। ठीक है बेटा, जो वो करता है वही वो भी करता है। मगर बेटा इसके इफेक्ट्स दोनों हो सकते हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, क्योंकि अगर कभी कभार पेरेंट्स स्मोक करेंगे बच्चों के सामने, बच्चों पे भी असर आ सकता है। ठीक है बेटा, इसीलिए पेरेंट्स को भी बच्चों का बिहेवियर रिमूव करने के लिए पहले वो काम खुद करना है ताकि बच्चे भी कर सके। ठीक है बेटा, तो और दो टेक्निक्स इसमें हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 16 ऑफ साइकोलॉजी, 12th साइकोलॉजी, लेसन नंबर 5, थेरेप्यूटिक अप्रोचेस इन साइकोलॉजी। इन दिस लेक्चर वी विल फर्दर डिस्कस अबाउट बिहेवियरल टेक्निक्स। तो बेटा हमने ऑलरेडी कुछ बिहेवियरल टेक्निक्स डिस्कस की है, 4, दो हमें और करनी है। पहली है बेटा टोकन इकोनॉमी। टोकन इकोनॉमी हम किसे बोलते हैं, persons with behavioral problems can be given a token as a reward every time a wanted behavior occurs। हम क्या काम करते हैं बेटा, हम कुछ persons को जिनका behavior हम modify करते हैं, जब वो behavior अपनाते हैं हम उनको कुछ tokens देते हैं, किस लिए बेटा, reward के तौर पे कि आपने अपना behavior modify किया, आपने अपना behavior change किया। The tokens are collected and exchanged for a reward such as an outing for the patient or a treat for the child। और ये tokens बेटा हम exchange करते रहते हैं, जब हमें लगता है हमने
क्लाइंट को, हमने पेशेंट का बिहेवियर मॉडिफाई किया, एवरी टाइम जब भी उसने बिहेवियर चेंज किया हमने उसको टोकन दिया, उसके बाद हम उससे एक्सचेंज लेते हैं, वापस लेते हैं, ताकि इन टोकन को हम इस्तेमाल करें दूसरे पेशेंट के लिए भी। ठीक है बेटा, दिस इज नोन एज टोकन इकोनॉमी, इसी को हम बेटा बोलते हैं टोकन इकोनॉमी। ठीक है बेटा, उसके बाद बेटा सिस्टमिक डिसेंटाइजेशन, ये और एक बिहेवियरल टेक्निक है। इट इज ए टेक्निक इंट्रोड्यूस्ड बाय वॉल्पी फॉर ट्रीटिंग फोबियाज और इरेशनल फियर। ये वो टेक्निक थी जो वॉल्पी ने डिस्कवर की थी, किस लिए बेटा, फोबियाज और फियर भगाने के लिए। ठीक है बेटा, इसमें हम क्या काम करते हैं, क्लाइंट को हम बिठाते हैं, उसको हम बोलते हैं आप रिलैक्सिंग मोड में आओ, फिर उसका इंटरव्यू करते हैं, इंटरव्यू में हमें पता चलता है उसको किस चीज का फियर है। ठीक है बेटा, और जब हमें पता चलता है उसको किस चीज का फियर है, अब हम उसको बोलते हैं आप रिलैक्स करो, आप आंखें बंद करो और अपने फियर को अपने सामने लाओ, जो फियर आपको बार बार है उस फियर को अपने अनकॉन्शियस माइंड से निकालकर कॉन्शियस माइंड में लाओ। ठीक है बेटा, और उसके बाद हम इस फियर की पोजीशन को अंडरस्टैंड करके उसको क्या बोलते हैं, आप डीप ब्रेथ ले लो, आप डीप ब्रेथ ले लो, उसके बाद आप रिलैक्स्ड ब्रेथ ले लो। ठीक है बेटा, और उसके बाद हम उसको बोलते हैं अब आप अपने फियर को महसूस करो, जो ही वो अपने फियर को महसूस करता है उसको फिर रिलैक्स लगता है। ठीक है बेटा, इसको हम बेटा कहते हैं सिस्टमिक डिसेंटाइजेशन। ठीक है बेटा, जहां पेशेंट को रिलैक्स किया जाता है उसको बोला जाता है आप कंसिडर करो आपको अभी फियर है, आपके अनकॉन्शियस माइंड से ये फियर कॉन्शियस माइंड में लाओ, उसके बाद उसके बिहेवियर को हम मॉडिफाई करते हैं। उसके बाद है बेटा चीफ बेनिफिट्स टू क्लाइंट इन बिहेवियर थेरेपी। बिहेवियर थेरेपी में एक क्लाइंट के लिए क्या बेनिफिट है, बिहेवियर थेरेपी बेटा क्या काम करती है, फॉल्टी बिहेवियर को और थॉट पैटर्न्स को चेंज करती है, यह है क्लाइंट के लिए बेनिफिट। यहां उसको उसका यहां फॉल्टी बिहेवियर और बेटा थॉट पैटर्न चेंज हो जाता है। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, ये जो बेटा थेरेपी है इसमें ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट शॉर्टर होती है, फ्यू मंथ्स, और कितने टाइम के लिए बेटा, 1 आवर के लिए। ठीक है बेटा, तो यह है ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, किसमें बेटा, बिहेवियर थेरेपी में। ठीक है, तो बेटा आज हमारी बिहेवियर थेरेपी खत्म, कल हम उठाएंगे कॉग्निटिव थेरेपी। ठीक है बेटा, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 18 ऑफ साइकोलॉजी, 12th साइकोलॉजी, लेसन नंबर 5, थेरेपेटिक अप्रोचेस इन साइकोलॉजी। इन दिस लेक्चर वी विल फर्दर डिस्कस अबाउट कॉग्निटिव थेरेपी। तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 18 है 12th साइकोलॉजी में, लेसन नंबर 5 हम डिस्कस कर रहे हैं थेरेपेटिक अप्रोचेस इन साइकोलॉजी। तो बेटा आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है बेटा कॉग्निटिव थेरेपी। ये जो बेटा कॉग्निटिव थेरेपी है ये हमें क्या कहती है, जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, इसका कॉज क्या है बेटा, इरेशनल थॉट्स एंड बिलीफ्स। जब एक इंडिविजुअल के अंदर थॉट प्रोसेसेस में प्रॉब्लम आती है, वो इरेशनल चीजों के बारे में सोचता है या उसके बिलीफ्स बदल जाते हैं, वो अपने बिलीफ छोड़ता है और दूसरे के बिलीफ्स पे को ले लेता है। ठीक है बेटा, तो हम कहते हैं जब एक इंडिविजुअल के अंदर इरेशनल थॉट्स और इरेशनल बिलीफ्स होते हैं क्रिएट, उन्हीं की वजह से क्या होते हैं बेटा, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेसेस। एल्बर्ट एलिस एंड एरन बेक वेयर द पॉइंटर्स इन द यूज ऑफ कॉग्निटिव थेरेपी। सबसे पहले एल्बर्ट एलिस एंड एरन बेक ने इस कॉग्निटिव थेरेपी को इस्तेमाल किया है। द टर्म कॉग्निटिव रेफर्स टू फंक्शंस लाइक अटेंशन, जजमेंट, लर्निंग, थॉट, मेमोरी एंड कॉन्शियसनेस यूज्ड इन कॉम्प्रिहेंडिंग द वर्ल्ड ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस। इस कॉग्निटिव का मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब है वो फंक्शंस जो हम कब करते हैं, अटेंशन, जब हम बहुत ज्यादा अटेंटिव होते हैं, जब हमारे अंदर जजमेंट प्रोसेस होती है, जब हमारे अंदर लर्निंग डेवलप होती है, जब हमारे अंदर थॉट्स डेवलप होते हैं, या मेमोरी डेवलप होती है, या कॉन्शियसनेस डेवलप होती है। मतलब इरेशनल थॉट्स और बिलीफ्स कब क्रिएट होते हैं बेटा, जब हमारे अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि
functions like attention, judgment, learning, thought, memory and consciousness. इन चीजों को हम इस्तेमाल करते हैं अपने वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करने के लिए. मतलब जब हम अपनी दुनिया को देखते हैं कैसे बेटा, हम अटेंटिवली देखते हैं, हम अच्छी तरह से जजमेंट करते हैं, हम अच्छी तरह से लर्न करते हैं, हम थॉट्स देखते हैं, मेमोरी देखते हैं, ठीक है बेटा. उसके बाद इन चीजों को इस्तेमाल करके हम वर्ल्ड को कॉम्प्रिहेंड करते हैं. कॉग्निटिव थेरेपी एम्फसाइज़ेस ऑन रिकॉग्नाइजिंग एंड चेंजिंग नेगेटिव थॉट्स एंड मल एडेप्टिव बिहेवियर. यह हमें क्या बोलती है, ये पहले हमें रिकॉग्नाइज कराती है कौन से नेगेटिव थॉट्स, कौन से इरेशनल बिलीफ्स हमने क्रिएट किए हैं अपने अंदर, जिसकी वजह से क्या हुआ है, मल एडेप्टिव बिहेवियर क्रिएट. कॉग्निटिव थेरेपिस्ट्स कंसिडर दैट कॉग्निटिव प्रोसेसेस एंड स्ट्रक्चर्स लाइक बिलीफ्स, एटीट्यूड, लॉन्ग टर्म मेमोरी एक्सेट्रा हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर. क्योंकि ये जो कॉग्निटिव थेरेपिस्ट्स है, ये हमें क्या कहते हैं, जितने भी बिलीफ्स है, जितना भी एक इंडिविजुअल के अंदर एटीट्यूड है या लॉन्ग टर्म मेमोरी है, ये भी क्रिएट करती है क्या बेटा, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हमारे बिहेवियर पे. इट इज मोस्टली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन एंड एंग्जायटी. ज्यादातर कॉग्निटिव थेरेपी हम इस्तेमाल करते हैं बेटा किसके लिए, डिप्रेशन और एंग्जायटी के लिए. द नेगेटिव कंटेंट टुवर्ड्स द सेल्फ, जब इंसान अपने सेल्फ के रिलेटेड नेगेटिव थॉट्स लाता है, द वर्ल्ड दुनिया के रिलेटेड नेगेटिव थॉट्स लाता है, एंड द फ्यूचर फ्यूचर के रिलेटेड नेगेटिव थॉट्स लाता है. मतलब जब हम अपने आप को नेगेटिव नजरिए से देखते हैं, वर्ल्ड को नेगेटिव नजरिए से देखते हैं, ठीक है बेटा, फ्यूचर को नेगेटिव नजरिए से देखते हैं, कॉल्ड कॉग्निटिव ट्रेट्स. यही हमारे अंदर क्या करते हैं क्रिएट बेटा, कॉग्निटिव ट्रेट्स मेक्स द सेल्फ मिजरेबल. और एक इंडिविजुअल के अंदर उसका सेल्फ क्या बनता है, मिजरेबल. द एनवायरमेंट, उसके बाद उसका एनवायरमेंट भी मिजरेबल बनता है, थ्रेटनिंग, वो डराता है वो एनवायरमेंट उसको. द फ्यूचर फियर्ड, और वो अपने फ्यूचर से भी फिर डरता है. तो बेटा इन शॉर्ट आपको क्या याद रखना है, कॉग्निटिव थेरेपी वो थेरेपी है जिसमें हम क्या काम करते हैं, हम बोलते हैं इरेशनल थॉट्स एंड बिलीफ्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग मल एडजस्टिव बिहेवियर इन एन इंडिविजुअल. उसके बाद हमने कहा कॉग्निशन का मतलब क्या है बेटा, कॉग्निशन का मतलब है जब हम फंक्शंस लाइक अटेंशन, जजमेंट, लर्निंग, थॉट, मेमोरी एंड कॉन्शियसनेस को इस्तेमाल करते हैं दुनिया को कॉम्प्रिहेंड करने के लिए. कॉग्निटिव थेरेपी एम्फसाइज हमें क्या करती है, यह हमें बोलती है हमें पहले रिकॉग्नाइज करना है और उसके बाद चेंज करना है. पहले हमें रिकॉग्नाइज क्या करना है बेटा, नेगेटिव थॉट्स एंड मल एडेप्टिव बिलीफ्स. हमारे अंदर कितने नेगेटिव थॉट्स है जिनकी वजह से क्या होती है, क्रिएट मल एडेप्टिव बिहेवियर. और कॉग्निस्ट थेरेपिस्ट हमें क्या बोलते हैं कि ये जो कॉग्निटिव प्रोसेसेस है, ये हमारे इन्फ्लुएंस बिहेवियर पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है. और बेटा हम कहते हैं इसको हम मोस्टली इस्तेमाल करते हैं किसके लिए बेटा, डिप्रेशन और एंग्जायटी के लिए. जो नेगेटिव थॉट्स हम अपने दिमाग में लाते हैं अपने रिलेटेड, दुनिया के रिलेटेड, ठीक है बेटा, यही हमारे अंदर क्रिएट करते हैं कॉग्निटिव ट्रेट्स. जिन जो ट्रेट्स हमारे फ्यूचर को डराती है, हमारे एनवायरमेंट को थ्रेटन करती है, हमें थ्रेटन करती है, ठीक है बेटा. तो कल हम फर्दर इसके मुतालिक डिस्कस करेंगे. थैंक यू बेटा. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 18 ऑफ साइकोलॉजी, 12th साइकोलॉजी, लेसन नंबर 5, थेरेप्यूटिक अप्रोचेस इन साइकोलॉजी. इन दिस लेक्चर वी विल फर्दर डिस्कस अबाउट कॉग्निटिव थेरेपी. तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 18 है 12th साइकोलॉजी में, लेसन नंबर 5 हम डिस्कस कर रहे हैं थेरेप्यूटिक अप्रोचेस इन साइकोलॉजी. हम बेटा डिस्कस कर रहे थे कॉग्निटिव थेरेपी. पिछले लेक्चर में हमने कहा कॉग्निटिव थेरेपी हमें बोलती है इरेशनल थॉट्स एंड बिलीफ्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. तो हम आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि कॉग्निटिव थेरेपी बहुत सारी किस्म की होती है. पहले रेशनल इमोटिव थेरेपी, RET. ये जो बेटा रेशनल इमोटिव थेरेपी है, इसको सबसे पहले डेवलप किया था अल्बर्ट एलिस ने. और इस थेरेपी का सेंट्रल थीम क्या है बेटा, ये जो इरेशनल बिलीफ्स है, ये मीडियम होता है, ये मीडियम होता है,
ये दरमियान होता है, किसके दरमियान होता है, एंटीसीडेंट इवेंट के दरमियान और उसके कॉन्सिक्वेंस के दरमियान। एंटीसीडेंट इवेंट वो इवेंट जो आप शुरू करने वाले हो, उस इवेंट के दरमियान और उस इवेंट के कॉन्सिक्वेंस के दरमियान ये होता है। ठीक है बेटा, मैं आपको बेटा सिंपल एग्जाम्पल दूंगा। आपका एग्जाम शुरू हुआ, एक बच्चे का एग्जाम शुरू हुआ। अब ये जो बच्चा है इसका इरेशनल बिलीफ है, अगर मैं कितनी भी मेहनत करूं, अगर मैं कितनी भी मेहनत करूं मुझे फिर भी मार्क्स कम आएंगे। ये इसका क्या है बेटा, बिलीफ है। क्यों बिलीफ है, क्योंकि इस बच्चे की हैंडराइटिंग वीक है, इस बच्चे की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है। अब इसने इरेशनल बिलीफ डेवलप किया है अपने अंदर, अगर मैं कितना भी मेहनत करूं, कितनी भी मेहनत करूं मुझे मार्क्स कम आएंगे, क्योंकि एग्जामिनर मेरे बहुत सारे मार्क्स काटेगा, वहां हैंडराइटिंग पे बहुत सारे मार्क्स काटते हैं। इसने बेटा सुना भी है, इसने इरेशनल बिलीफ बनाया भी है। ये इसका पहला बोर्ड एग्जाम है बेटा। बच्चे ने क्या बिलीफ बनाया है कि मेरे बहुत सारे मार्क्स काटने वाले हैं। क्यों काटने वाले हैं, क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, मैं कितनी भी मेहनत करूं मैं बाकी बच्चों जैसे मार्क्स नहीं लाऊंगा। ये इसका क्या है बेटा, इरेशनल बिलीफ, इरेशनल थॉट। तो ये थेरेपी हमें क्या कहती है, सबसे पहले पहला सेटअप इस थेरेपी का क्या है, द फर्स्ट सेटअप इज आरईटी, इज एंटीसीडेंट बिलीफ कॉन्सिक्वेंस एनालिसिस। मतलब हमें ढूंढना है, क्या ढूंढना है, ये जो बेटा एंटीसीडेंट बिलीफ है इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, इस बच्चे के अंदर क्या एंटीसीडेंट बिलीफ है कि मेरे मार्क्स कटने वाले हैं। क्यों कटने वाले हैं, मेरी हैंडराइटिंग खराब है। ठीक है बेटा, एंटीसीडेंट इवेंट्स विच कॉज्ड द साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस आर नोटेड। यहां बेटा नोट किया जा रहा है कौन सा एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंस ऐसा है जिसकी वजह से बेटा साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस क्रिएट हो रहा है। यहां इस बच्चे में कौन सा बेटा ऐसा है, हैंडराइटिंग खराब होना, बच्चे का इरेशनल बिलीफ के हैंडराइटिंग खराब होने की वजह से बहुत सारे मार्क्स कटेंगे। ये इसका यहां क्या है बेटा, ये इसका यहां एंटीसीडेंट इवेंट है जो इसको कॉज कर रहा है क्या बेटा, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। उसके बाद बेटा, क्लाइंट इज इंटरव्यूड टू फाइंड आउट इरेशनल बिलीफ विच डिस्टॉर्ट्स और डिस्टर्ब हिम। इस बच्चे को जब इसके पेरेंट्स साइकोथेरेपिस्ट के पास लेते हैं, वो उसको बिठाता है, इसको रिलैक्स कराता है, उसके बाद इस बच्चे का वो इंटरव्यू करता है ये जानने के लिए कि बच्चे के दिमाग में किसकी वजह से इरेशनल थॉट्स डेवलप हुए हैं कि हैंडराइटिंग पे सारे मार्क्स कटेंगे, मैं कितनी भी मेहनत करूं मुझे अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। द थेरेपिस्ट एनकरेजेस दिस बाय बीइंग एक्सेप्टिंग एम्पैथेटिक जेन्युइन एंड वार्म टू द क्लाइंट। यहां बेटा थेरेपिस्ट का क्या रोल है, उसको क्लाइंट के साथ बड़े प्यार से पेश आना है, उसकी बात अच्छी तरह से सुननी है और बेटा जेन्युइन रहना है, क्लाइंट को बोलने देना है। तो ये बच्चा भी अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेगा, किसको एक्सप्रेस करेगा, साइकोथेरेपिस्ट को, क्यों इसके दिमाग में ये इरेशनल थॉट डेवलप हुआ है, किसने किया है डेवलप, टीचर्स ने किया है डेवलप, सोसाइटी ने डेवलप किया है कि अगर आपकी हैंडराइटिंग खराब है आप कितनी भी मेहनत करो आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसके बाद बेटा, द थेरेपिस्ट कन्वेज बाय हिज और हर वर्ड्स एंड बिहेवियर दैट ही शी इज नॉट जजिंग द क्लाइंट एंड विल कंटिन्यू टू शो द सेम पॉजिटिव फीलिंग टुवर्ड्स द क्लाइंट इवन इफ द क्लाइंट इज रूड और कन्फाइंड और रॉन्ग थिंग्स। यहां बेटा थेरेपिस्ट का और एक रोल है, इसको बेटा यहां महसूस ही नहीं होने देना है अपने क्लाइंट को कि वो इसको ऑब्जर्व कर रहा है, वो इसको जज कर रहा है, बल्कि इसको ये फील कराना है कि वो आराम से उसकी बात सुन रहा है, वो उसके साथ अट्रैक्शन में है, वो उसके साथ पॉजिटिव फीलिंग में है। मतलब यहां क्लाइंट को महसूस ही नहीं होने देना है कि उसको जज किया जा रहा है। और बेटा यहां थेरेपिस्ट को सब्र रखना है, क्योंकि क्लाइंट कभी कभार रूड भी हो सकता है, क्लाइंट कभी कभार बेटा क्या रॉन्ग थिंग्स भी बोल सकता है। ठीक है बेटा, तो यहां ऐसा करना है ताकि हम ये आइडेंटिफाई करें कि एंटीसीडेंट बिलीफ जो है बेटा, जिसकी वजह से मल एडेप्टिव बिहेवियर क्रिएट हुआ, वो क्यों हुआ। जिस तरह इस बच्चे की मैंने आपको एग्जांपल दी, इसके दिमाग में इरेशनल बिलीफ क्या क्रिएट हुआ था कि मैं कितनी भी मेहनत करूं हैंडराइटिंग पे सारे मार्क्स कटेंगे। ठीक है बेटा, वही हम यहां चेक करेंगे कि किस चीज ने बच्चे के दिमाग में ये चीज डेवलप की है, किसके वजह से ये इरेशनल थॉट डेवलप हुआ है,
और उसके बाद बच्चे को उसी के हिसाब से काउंसल किया जाएगा, वो हम बेटा कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 19 ऑफ साइकोलॉजी, 12th साइकोलॉजी, लेसन नंबर 5, थेरेप्यूटिक अप्रोचेस इन साइकोलॉजी। इन दिस लेक्चर वी विल फर्दर डिस्कस अबाउट कॉग्निटिव थेरेपी। तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 19 है 12th साइकोलॉजी में, लेसन नंबर 5 हम डिस्कस कर रहे हैं थेरेप्यूटिक अप्रोचेस इन साइकोलॉजी। और बेटा आज हमारा टॉपिक है इसमें कॉग्निटिव थेरेपी। हमने बेटा ऑलरेडी कॉग्निटिव थेरेपी के बारे में पिछले लेक्चर में पढ़ा, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रेशनल इमोटिव थेरेपी, ठीक है बेटा, जिसमें हमने कहा था एक क्लाइंट का इंटरव्यू किया जाता है, इंटरव्यू में इस चीज पे फोकस किया जाता है कौन सा ऐसा एंटीसिडेंट इवेंट है जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल में नेगेटिव बिहेवियर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल में फॉल्टी बिहेवियर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल में इरेशनल बिलीफ क्रिएट होता है, और यही इरेशनल बिलीफ जो है बेटा यही उसमें फिर मलएडेप्टिव बिहेवियर क्रिएट करता है। जिसमें हमने एग्जाम्पल दी कि एक बच्चे को टेंशन था, उसकी हैंडराइटिंग खराब थी, उसको क्या टेंशन था, मेरे सारे मार्क्स कट जाएंगे, उसने इरेशनल बिलीफ बनाया था कि मेरे सारे मार्क्स कटेंगे, मैं कितनी भी मेहनत करूं मैं टॉप पे नहीं आऊंगा, क्यों, मेरी हैंडराइटिंग खराब है, ये उसका इरेशनल बिलीफ था, चाहे सोसाइटी ने क्रिएट किया था, चाहे टीचर्स ने क्रिएट किया था, या चाहे खुद उसने ये क्रिएट किया था। तो हमने कहा जब थेरेपिस्ट इस क्लाइंट का इंटरव्यू करता है, इंटरव्यू में वो ये जानने की कोशिश करता है कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल में फॉल्टी बिहेवियर या जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल में इरेशनल बिलीफ्स डेवलप होते हैं, और वो इंटरव्यू इस तरीके से करता है कि इस क्लाइंट को महसूस ही ना हो कि मेरा इंटरव्यू किया जा रहा है, मुझे किसी चीज के रिलेटेड जज किया जा रहा है, क्योंकि हमने कहा यहां थेरेपिस्ट का सबसे बड़ा रोल है, इसको यहां बहुत ही जेन्युइन एम्पैथेटिक रहना है, पेशेंस दिखानी है, अगर क्लाइंट इसको कुछ भी बोले इसको बर्दाश्त करना है ताकि ये क्लाइंट की पूरी बात को अंडरस्टैंड करे, ठीक है बेटा। उसके बाद जब इसको पता चले कि एक पेशेंट के अंदर नेगेटिव इमोशंस या नेगेटिव बिहेवियर कौन सा है, कौन इस पेशेंट के अंदर, कौन इस क्लाइंट के अंदर इरेशनल बिलीफ उसको क्रिएट करता है, ठीक है बेटा, जब उसको उसके बारे में पता चलेगा उसके बाद ये उसको अब रेमेडीज देगा। दूसरी टेक्निक इसी में हम करते हैं नॉन डायरेक्टिव क्वेश्चंस, मतलब एक थेरेपिस्ट अपने क्लाइंट से डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं करता है, नॉन डायरेक्ट क्वेश्चंस, इट इज द प्रोसेस बाय विच इरेशनल बिलीफ्स आर रिफ्यूटेड बाय थेरेपिस्ट। ये वो प्रोसेस होती है जहां इरेशनल बिलीफ जो होते हैं उनको थेरेपिस्ट क्या करता है, नेसु नाबूद करता है, मतलब थेरेपिस्ट इस रिफ्यूटेड बिलीफ उसको खत्म करता है, कैसे बेटा खत्म करता है, अपनी एक्सप्लेनेशन से, झूठा साबित करता है इनको, जो एक क्लाइंट के दिमाग में इरेशनल बिलीफ क्रिएट होते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल दी क्या एक पर्सन को क्या कौन सा इरेशनल बिलीफ था कि अगर मैं कितनी भी मेहनत करूं मुझे अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग खराब है, इस पर्सन को कैसे काउंसल किया जाता है, कैसे इसको थेरेपिस्ट काउंसल करता है कि ये तुम्हारा इरेशनल बिलीफ है, ये झूठा बिलीफ है, ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं होता है, मार्क्स नहीं कटेंगे आपको अगर आप मेहनत करोगे, कटेंगे थोड़े बहुत मगर सारे मार्क्स नहीं कटेंगे। क्लाइंट चेंज द इरेशनल बिलीफ बाय मेकिंग चेंज इन हिज और हर फिलॉसफी अबाउट लाइफ रेशनल बिलीफ सिस्टम बाय रिप्लेसिंग द इरेशनल बिलीफ सिस्टम। यहां बेटा जब क्लाइंट का ये हमें पता चलता है कौन सी चीजें उसको इरेशनल बिलीफ क्रिएट करती है, हम उसके इरेशनल बिलीफ को चेंज करते हैं, कैसे, उसकी लाइफ की फिलॉसफी को चेंज करते हैं बेटा, हम उसकी लाइफ को चेंज करते हैं, उसमें हम रेशनल बिलीफ डालते हैं, हम उसको बोलते हैं आप सोचो, आप समझो, आप अक्ल के खिलाफ मत जाओ, आप देखो आपकी अक्ल क्या कहती है, ठीक है बेटा, और उसके इरेशनल सिस्टम को हम खत्म करते हैं किससे बेटा, रेशनल सिस्टम से, ठीक है। तो ये था बेटा कौन सी, रेशनल इमोटिव थेरेपी, जिसमें हम
रेशनल बिलीफ्स क्रिएट करते हैं और इरेशनल बिलीफ्स बाहर निकालते हैं। दूसरा है बेटा एरोनस बेक्स कॉग्निटिव थेरेपी, ये दूसरी किस्म की थेरेपी है, एरोन बेक्स कॉग्निटिव थेरेपी। ये जो बेटा बैक था, इसने ये थेरेपी इसलिए डेवलप की थी ताकि ये इलाज कर सके किसका बेटा, डिप्रेशन का। किसका इलाज कर सके बेटा, डिप्रेशन का इलाज। इट हेल्प्स द क्लाइंट टू रिकॉग्नाइज द नेगेटिव थॉट्स, और ये रिकॉग्नाइज करे एक इंडिविजुअल के अंदर कौन से नेगेटिव थॉट्स है या कौन सी बायसड इंटरप्रिटेशन है, कैसे वो चीजों को इंटरप्रेट करता है जो उसके अंदर क्रिएट करते हैं डिप्रेशन, या कैसे उसके लॉजिक में एरर आता है। अगर वो किसी चीज पे लॉजिक लगाता है क्यों उसमें एरर आता है, ठीक है बेटा। तो कल हम ये थेरेपी इससे आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 20 ऑफ साइकोलॉजी, 12th साइकोलॉजी, लेसन नंबर 5, थेरेप्यूटिक अप्रोचेस इन साइकोलॉजी। इन दिस लेक्चर वी विल फर्दर डिस्कस अबाउट कॉग्निटिव थेरेपी। तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 20 है, 12th साइकोलॉजी में लेसन नंबर 5 हम डिस्कस कर रहे हैं थेरेप्यूटिक अप्रोचेस इन साइकोलॉजी, और हम इसमें भी पढ़ रहे हैं कॉग्निटिव थेरेपी। तो पहले किस्म की थेरेपी हमने कल खत्म की, एलिस थेरेपी। यहां है बेटा दूसरा बेक्स कॉग्निटिव थेरेपी। इन दिस थेरेपी द कॉग्निटिव थेरेपिस्ट हेल्प द क्लाइंट टू रिकॉग्नाइज द नेगेटिव थॉट्स। ये वो कॉग्निटिव थेरेपी होती है बेटा जिसमें एक साइकोथेरेपिस्ट क्लाइंट को क्या कराने, क्या कोशिश क्या करता है रिकॉग्नाइज कराने की, नेगेटिव थॉट्स, बायसड इंटरप्रिटेशंस एंड एरर इन लॉजिक। एक क्लाइंट के अंदर कौन से नेगेटिव थॉट्स है, किस बेस पे उसने उनको इंटरप्रेट किया है, और उसके एरर में कहां लॉजिक, उसके लॉजिक में कहां एरर है, ठीक है बेटा। दैट अफेक्ट्स देयर थिंकिंग एंड अकॉर्डिंग टू बैक द क्लाइंट कॉजेस टू फील डिप्रेस्ड, जिसकी वजह से एक क्लाइंट की थिंकिंग पे असर पड़ा है और क्लाइंट ने फील क्या किया है बेटा, डिप्रेशन, ठीक है बेटा। तो सिंपल हमें बैक्स कॉग्निटिव थेरेपी क्या बोलती है, ये वो कॉग्निटिव थेरेपी होती है जिसमें एक थेरेपिस्ट ये कोशिश करता है कि मैं रिकॉग्नाइज करूं एक इंडिविजुअल के अंदर नेगेटिव थॉट्स कैसे डेवलप होते हैं, कौन सी इंटरप्रिटेशन वो बनाता है, किस चीज को वो बेस बनाता है इंटरप्रिटेशन की, चीजों को देखने के लिए, या बेटा उसके लॉजिक में कौन सा एरर आता है जिसकी वजह से वो फील करता है डिप्रेशन। द थेरेपिस्ट ऑल्सो गाइड्स क्लाइंट टू चैलेंज दियर डिसफंक्शनल थॉट्स। उसके बाद यहां साइकोथेरेपिस्ट क्लाइंट को क्या करता है बेटा, काउंसल करता है कि आप अपने इस डिसफंक्शनल बिहेवियर के साथ चैलेंज करो, ट्राई आउट न्यू इंटरप्रिटेशन, और नए से सोचो, नए नजरिए से देखो, एंड अल्टीमेटली अप्लाई ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ थिंकिंग, और नई सोच नई समझ इस पे अप्लाई करो, नई थिंकिंग इस पे अप्लाई करो इन देयर डेली लाइव्स, जो आपके डेली लाइव्स में प्रॉब्लम्स हो रही है। बैक्स कॉग्निटिव थेरेपी हैज बीन सक्सेसफुली अप्लाइड टू डिप्रेशन, पैनिक डिसऑर्डर्स एंड अदर एंजाइटी डिसऑर्डर्स। ये थेरेपी हम अप्लाई करते हैं किस किस के लिए बेटा, डिप्रेशन के लिए, पैनिक डिसऑर्डर्स के लिए, या बाकी एंजाइटी डिसऑर्डर्स के लिए। चाइल्डहुड एक्सपीरियंस प्रोवाइड बाय द फैमिली एंड सोसाइटी डेवलप कोर स्कीम्स। ये जो बेटा हमें चाइल्डहुड एक्सपीरियंस होती है, या बेटा फैमिली या सोसाइटी जो हमें सिखाती है, उसको हम बोलते हैं कोर स्कीम। मतलब बचपन से लेके हमने क्या सीखा, फैमिली ने हमें क्या सिखाया, या बेटा सोसाइटी में हमने कौन सा सिस्टम डेवलप किया, विच इंक्लूड बिलीफ्स एंड एक्शन पैटर्न। मतलब हमारी फैमिली, हमारी सोसाइटी हमारे बिलीफ्स को डेवलप करते हैं, हमारी एक्शंस को डेवलप करते हैं, हमारे थॉट्स को डेवलप करते हैं इन द इंडिविजुअल, क्रिटिकल इवेंट्स इन द इंडिविजुअल। मगर बेटा जब एक इंडिविजुअल की जिंदगी में कोई क्रिटिकल इवेंट आता है, कोई सैड इवेंट आता है, उसकी वजह से क्या होता है, लाइफ ट्रिगर्स द कोर, ये कोर सिस्टम ट्रिगर हो जाता है, लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स, और तब जाके एक इंडिविजुअल में नेगेटिव थॉट्स आते हैं। फिर वो नेगेटिव थॉट्स कैसे दूर होंगे वो हम बेटा कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।